अस्सलाम वालेकुम जी। आज मैं आपको बताऊंगा कि हम आयल सेपरेटर से और पूरे सिस्टम से कंप्रेसर के, तो कैसे आयल को जो है ना हम फ्लश करते हैं, कैसे साफ़ करते हैं, और दोबारा आयल, नया आयल डालने के लिए पुराने तेल को कैसे मतलब के फ्लशिंग करते हैं। तो ये सबसे पहले हमने आयल सेपरेटर वाली साइड से ना वाल लगा हुआ होता है आयल लाइन को, उधर से हमने नाइट्रोजन सिलेंडर लगाया है। नाइट्रोजन सिलेंडर लगा के तो हमने कंप्रेसर के जो आयल फिल्टर के ऊपर लाइन लगी होती है उसको खोल दिया हमने। ये देखें, ये आ रहा है प्रेशर उसका पाइप लगा के, क्योंकि ज़्यादा तेल नीचे ना गिरे। और जो आयल फिल्टर की एल्बो लगी हुई थी वहाँ पे हमने डेड कैप लगा दी है, ठीक है, क्योंकि प्रेशर जो है वहाँ से भी फिर निकलता है। बाकी जो है सेक्शन और डिस्चार्ज पाइप जो हमने बंद किए हैं, ये आयल निकला है उसके अंदर से, ठीक है। ये एक जब खोलते हैं उसके अंदर से पुराना हो जाता है आयल, फिर मॉइस्चर आ जाता है। ये जी अब हमने इसको अपोजिट साइड से लगाया है, जो आयल फिल्टर की लाइन होती है वहाँ से लगा के ये आयल सेपरेटर जो है वहाँ से निकल रहा है, ठीक है। ये जो आयल फिल्टर की एल्बो है उसके ऊपर हमने डेड कैप लगा दी है, ये अभी आयल सेपरेटर। ये जी आयल फ्लशिंग जो की थी ना उसका, ये दो आयल लाइने हैं, ये इसकी मेन फिल्टर में आ रही है, ये यहाँ पे वाल लगा हुआ है, ये आयल टेम्परेचर है, ठीक है। ये आयल फिल्टर के ऊपर आके लगता है, ये यहाँ से जाती है ये कंडेंसर के अंदर से, ये वाली लाइन, ये कंडेंसर के अंदर वो उसकी ट्यूब लगी है, उसके अंदर वो चार ट्यूबें लगी हैं, वो कंडेंसर के अंदर जाती है, ठीक है। और ये आयल सेपरेटर की है, ठीक है। आयल सेपरेटर से यहाँ से जाके कंडेंसर में जाती है, वहाँ पे वो वाली जो ट्यूब है, ठीक है जी, वो ट्यूब लगी है ये वाली, बड़ी। उसके बाद यहाँ से ये फिर आयल सेपरेटर से हो के फिर कंडेंसर से ठंडा हो के आयल जो है ना फिर यहाँ से आके ये इसके ऊपर आता है, फिर ये कंप्रेसर में आता है, कंप्रेसर से हो के फिर ये आयल सेपरेटर में इकट्ठा होता है। और आयल सेपरेटर में जब ये इकट्ठा होता है उसके बाद जो गैस है ये सेक्शन, ये डिस्चार्ज साइड है यहाँ पे, ठीक है जी, गैस इसके अंदर अंदर चली जाती है, ऊपर आ जाती है यहाँ पे, तो जो तेल जो है वो आयल सेपरेटर के नीचे बैठ जाता है, फिर ऐसे ये सर्कल होता है। ये डिस्चार्ज साइड यहाँ पे आ जाती है ना सेक्शन, वहाँ से पाइप करता है कंप्रेसर और इसके अंदर आ जाता है। इसके बाद ये पाइप लगे हुए हैं डिस्चार्ज के, और ये आयल जो है नीचे आयल सेपरेटर में बैठ जाता है।